गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई एम अरमान सर। हमारा चैनल देख रहे हैं आप, रियल मैथ्स बाय अरमान सर। इसमें आज हम आपको आज सिखाने वाले हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। भिन्न के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता है वो हम आपको सिखाएंगे। तो आपको हमने बताया था कि आपको हम चैप्टर वाइज सिखाएंगे। तो चैप्टर में हमने आपको पहले चैप्टर 1.1 में आपको सिखाया था हमने जोड़ तथा घटाना, सिंपल प्लस माइनस आपको हमने सिखाया था। मगर आज आपको बताने वाले हैं हम भिन्न। भिन्न का जोड़ घटाना कैसे किया जाता है, पहले आप भिन्न जानेंगे। भिन्न होता क्या है? भिन्न को दोस्तों कहते हैं भिन्न फ्रैक्शन। भिन्न इज इक्वल टू अंश बटे हर, दैट्स इज न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। अंश को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और हर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, जिसे अगर आपको लिखा है यहाँ पर 5/7, ये क्या एक भिन्न है? ये क्या है? एक भिन्न है। भिन्न में अंश बटे हर। अंश कितना हमारा? 5। हर कितना है? 7। अंश को इंग्लिश बोलते हैं न्यूमेरेटर और हर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और जैसे मान लिया 5/7 हमारा दिया है, अगर इसमें हमको लिखना है 3/2 माइनस में प्लस 5/4 माइनस 3/2 प्लस 7/3 ये हमारा लिखा है क्वेश्चन। देखिए आपको हम लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, आपको एकदम सिंपल चीज़ है। आपको इस नियम से अगर आपको हम बता देंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे जैसा क्वेश्चन हो, बड़े से बड़े भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। छोटा क्वेश्चन है तो आप तो आराम से कर ही लेंगे, बड़े क्वेश्चन भी आएंगे तो इस ट्रिक से आप कर लेंगे जिस ट्रिक से आपको हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए इसका सबका हर कितना है हमारा? हर क्या है? डिनोमिनेटर हमारा कितना है? 2, 7, 2, 4, 2। तो इनका आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, एलसीएम किसका निकालेंगे? 2 है कॉमा 7, 2 तो देखिए दोबारा आ रहा है यहाँ पर 2, तो 2 तो हमने ले चुके हैं ना, तो दोबारा 2 अब नहीं लेंगे हम लोग। यहाँ क्या लिखेंगे? 4। ये 2 हमारा आया तो 2 को हम दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इसको यहाँ हर का एलसीएम लेने जा रहे हैं हम लोग। हर का एलसीएम कितना आएगा? तो देखिए रफ में, मैथ में रफ काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैथ में रफ काम आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप रफ काम कार को बिल्कुल बगल में साइड में रफ काम किया करिए। इसके अंदर जैसे अगर हमको निकालना है 2, 7, 4 का एलसीएम निकालना है, तो दोस्तों आपको एलसीएम निकालना आता है। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2, 2 की टेबल में 7 आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 7 डिवाइड नहीं हो पाएगा। फिर 2 की टेबल में 4 आता है कि नहीं? 2 × 2 = 4, 2 कर दिए। फिर ऐसे करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 तो होगा नहीं, 7 होगा नहीं, 2 × 2, 2 से हमारा डिवाइड हो गया। अब 7 से करेंगे, 7 × 1 से होगा नहीं, 7 × 1 = 7, ये 1। अब देखिए हमारे लास्ट में क्या आ गया? हमारा 1, 1, 1 आ गया। तो हमारा ये इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। 2 × 2 × 7 आपको कितना होगा? 2 × 2 = 4, 4 × 7 = 28। हमारा एलसीएम कितना आया? 28। तो देखिए यहाँ इक्वल लगाइए अपॉन में, अपॉन में 28 लिख दीजिए। क्लियर? हमारा एलसीएम कितना है? सबका एलसीएम कितना है? 28। ये 28 एलसीएम किसका है? सबका है कि नहीं? तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक से आपको करना है, एलसीएम सबका निकालना है। ये एलसीएम का मल्टीप्लाई सारे फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। ये एलसीएम का मल्टीप्लाई जितने भी फ्रैक्शन है सब फ्रैक्शन में इसमें हमको करना पड़ेगा। देखिए यहाँ हमारा दिया, जैसे फर्स्ट नंबर क्या हमारा? 7/2। तो 7/2 में मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम कितना था? 28 का। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, 14 आया कि नहीं दोस्तों? अब मल्टीप्लाई करना है 7 × 14, 7 × 14, तो 7 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे, वहाँ कितना आएगा? 98। कितना आएगा? 98। ठीक दोस्तों, अब हमारा क्या आया यहाँ पास? प्लस है तो प्लस लगा देंगे, प्लस है तो हमारा
प्लस लगा देंगे हम लोग। अब 28 एलसीएम तो सभी का है, ये 28 एलसीएम इनके पास गया, ऐसे हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया, ठीक है। अब ये 28 जाएगा हमारा 5/7 के पास, कहाँ जाएगा 5/7 के पास इंटू 28, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, सॉरी दोस्तों 7 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे 28 में, 7 × 4 = 28। अब मल्टीप्लाई करना है 5 × 4 = 20, सिंपल सा है। देखिए जितना हमारा एलसीएम आ रहा है वो एलसीएम का मल्टीप्लाई जितने भी हमारा भिन्न दिया है, जितने भी हमारा फ्रैक्शन दिया है, सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ हम कर चुके हैं 98 आया, 5/7 हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आया हमारा 20 आया। अब हम माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, 3/2 में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ रफ करना है तो इसको रफ कर दीजिए, अब कितना हमारा 3/2 में मल्टीप्लाई किसका करना है हमको 28 का, 28 क्या हमारा एलसीएम है, सारे फ्रैक्शन का हमारा क्या है एलसीएम है, तो 2 से डिवाइड करेंगे हमारा 14 आएगा, 14 × 3 = 42, प्लस है तो प्लस लगाएंगे यहाँ पास हम लोग। फिर 5/4 की का टर्न आया हमको हमारा, 28 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हम लोग, देखिए कितना है यहाँ पर 28, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 7 = 28, 7 × 5 = 35, कितना सिंपल समझ में आ रहा कि नहीं। हमारा जितना हमारा एलसीएम आया वो एलसीएम सब के पास जाएगा स्टेप बाई स्टेप। यहाँ हमारा गया 98 आया, यहाँ आया कितना 20 आया, यहाँ आया तो 42 आया, यहाँ आया तो हमारा 35 आया। अब ये यहाँ जाएगा, साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 3/2 में 28 का मल्टीप्लाई, 3/2 में 28 का मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, तो 14 × 3 = 42। अब देखिए दोस्तों आपको हम चैप्टर पॉइंट 1 में हमने आपको बताया था, हमने क्या करना था आपको उसके अंदर प्लस माइनस सिखाया था। जब भी ढेर सारा प्लस माइनस आ जाए तो आपको एक नियम हमने बताया था कि प्लस माइनस जब अभी हमारा ढेर सारा आता है तो प्लस वाले को पहले लिखिए और माइनस वाले को बाद में लिखिए। ये हमारा प्लस में है, 98 पहले लिखेंगे, 20 पहले लिखेंगे, 35 पहले लिखेंगे और 42 माइनस में बाद में लिखेंगे, −42/28। क्लियर दोस्तों? अब देखिए यहां से हमारा ये तीनों हमारा प्लस में है कि नहीं, 98, 20, 35 क्या हमारा प्लस में है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे इसको हम लोग ऐड कर लेंगे कि वहां कितना आएगा बताइए, इसके ऐड कर रहे हैं आपस 20, 55 और 98 ऐड करेंगे 153 और माइनस वाला भी ऐड कर लेते हैं, माइनस वाला का साइन लगाएंगे और माइनस वाला भी ऐड कर लेंगे, 42 कितना होता हमारा 84 और अपॉन में हमारा क्या है 28, जो हमारा एलसीएम है वो एलसीएम हमारा चलता रहेगा, जो हमारा एलसीएम है वो हमारा एलसीएम क्या रहेगा चलता रहेगा हमारा। फिर इक्वल लगाइए, फिर इक्वल लगाएंगे। अब देखिए यहां 153 में 84 को माइनस करना है हमारा, माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा 1653 हमारा आएगा 69/28, 69/28 ये हमारा इनका ऐड हो गया, भिन्न का फ्रैक्शन का ऐड करना, फ्रैक्शन का जोड़ घटाना इसके अंदर सब आपका है। तो ऐसे ही दोस्तों अगर आपको और भी क्वेश्चन दिया रहेगा प्लस माइनस में दिया हो फ्रैक्शन में, सिंपल से क्या करना है उनका सबका पहले नीचे एलसीएम निकालिए, एलसीएम लगा के आप नीचे यहाँ एलसीएम कर लेंगे, अपॉन में एलसीएम लिख लिया, जो एलसीएम आया है उस एलसीएम को आप सबको रफ में स्टेप बाय स्टेप सबके पास लेके जाएंगे, सबको आपको रफ में स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे, नीचे से डिवाइड करेंगे, हर से डिनोमिनेटर से हम लोग डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, हर से भाग देंगे और अंश से गुणा करेंगे, जितना आएगा लिखते चले जाएंगे।
जब हमारा जब ढेर सारा इस तरह हमारा आ जाएगा प्लस वाला माइनस वाला, तो प्लस वाले को पहले करेंगे माइनस वाले को बाद में करेंगे। प्लस वाला पूरा ऐड कर लेंगे, माइनस का साइन लगा के माइनस वाला भी ऐड कर लेंगे, फिर उतार देंगे। फिर हमारा देखिए यहाँ पर जैसे 153 माइनस 84 है कि नहीं, अब इसमें क्या करना हमको, माइनस करना, माइनस कर दिया हमारा अपॉन 28, ये हमारा आंसर आ गया। समझाए दोस्तों? तो ऐसे ही आप फ्रैक्शन का आपको जोड़ घटाना आप आराम से कर सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और पाने के लिए अगर आपको पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल रियल मैथ बाई अरमान सर को फॉलो लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसको देखिए, समझिए। आपको टाइम लगता है चीज़ सीखने के लिए, वन टाइम में आपको जल्दी नहीं आ सकता है, अच्छे से सीखेंगे समझेंगे आपको ज़रूर आ जाएगा आपको। और भी अगर आपको कुछ और चाहिए तो हमारा कमेंट दिया, कमेंट में आप बताइए हमको क्या करना है, आपको क्या आना है, क्या नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी गलती हमारी हो रही है तो आप कमेंट में इसमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।